साल 2024 में नवरात्रे 3 अक्टूबर से शुरू होंगे। घट स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ भक्तों द्वारा किया जाता है, जिससे देवी माँ अत्यधिक प्रसन्न होकर सभी मनवांछित फल प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भक्त कोई भी स्तोत्र का पाठ या फिर आरती आदि करता है तो उसमें जाने अनजाने में त्रुटि हो जाती है, जिसका व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता बल्कि उसका दोष लगता है। शास्त्रों के अनुसार भक्त को देवी माँ के देवी अपराध क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने से यदि आपसे कोई भी त्रुटि या गलती हुई है तो देवी माँ उसे माफ कर आपको नवरात्रों का संपूर्ण फल प्रदान करती हैं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देव्य प्राद क्षमापन स्तोत्रम् न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कदा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तदनुशरणम क्लेश हरणम विधेयासक्यस्त्वा तव चरणयोर्यच्युतिरभू तदेतदक्षन्तव्यं जननि सकलोधारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि गोमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहव सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे। दिव्य प्राद क्षमापन स्तोत्र का मैंने उच्चारण किया कुछ मंत्रों के द्वारा। अब ये क्यों आवश्यक है इसके विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ। नवरात्र 9 दिन का जो समय होता है जिसमें जिसको नवरात्रि कहते हैं, नवरात्रों में अन्य पूजा कई प्रकार जो पूजा की जाती है सभी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले करते हैं, परंतु जो दुर्गा सप्तशती का बहुत बड़ा महत्व है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें निरंतर ही करना चाहिए या पंडित जी के द्वारा कराना चाहिए और विधि विधान से जो प्रारंभ करें ये सप्तशती के पाठ को, घट स्थापन और शुरू शुरू में जो है अपना गणेश जी की पूजा, षोडोपचार, सभी पूजाएं पूर्ण करके घट स्थापन इत्यादि सभी का देवताओं का मंत्रों के द्वारा पूजा करने के पश्चात पहले अध्याय से जैसा कि शुरू में देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, किलक इत्यादि स्त्रोत्रों के पश्चात नवारण मंत्र एवं प्रथम अध्याय से जो ये प्रारंभ होता है और संपूर्ण सप्तशती का पाठ विधि विधान से किया जाता है और इसका नवरात्रों में बहुत ही अधिक महत्व है। परंतु जब हम सप्तशती के पाठ को पूर्ण कर लेते हैं हमारे द्वारा जाने अनजाने में न जाने कितनी त्रुटियां हो जाती हैं उसका हमें आभास भी नहीं होता और हमें एक उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए कि भाई कोई गलती होगी तो उसका हमें अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि जो अशुद्ध उच्चारण होता है उसका भी एक दोष लगता है, वो भी एक अपराध है। तो उसमें ही दिया है अंत में देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम, अर्थात जो हमने पूर्ण संपूर्ण पाठ किया है उस पाठ में हमारे द्वारा जो गलती हुई है, त्रुटि हुई है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और जैसा कि मंत्र के द्वारा बताया है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि अक्षमस्व परमेश्वरी, अर्थात जो हे माँ देवी दुर्गा, जो भी अपने मेरे द्वारा मैं आवाहन नहीं जानता हूँ, पूजा भी नहीं जानता और न विसर्जन जानता हूँ, अर्थात मैं माँ देवी के सामने एक अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, तो आप मुझे सभी अपराधों के लिए जो भी मेरे द्वारा भूल हुई है उसको आप अक्षमा कर दें। तो ये मंत्र बोलना है और फिर देव्य प्राग क्षमापन स्तोत्र या तो संस्कृत में करें या इसकी हिंदी भी होती है नीचे, हिंदी का में पढ़ करके उसमें क्षमा मांग लें।